हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में पढ़ा था। उसका कैसा कनेक्शन होता है, हम सीरीज कनेक्शन क्यों करते हैं, पैरेलल कनेक्शन क्यों करते हैं, सीरीज कैलकुलेशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पैरेलल कनेक्शन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स सीरीज और पैरेलल में हम अपने घरेलू उपयोग में कैसा कनेक्शन यूज करना पसंद करते हैं, सीरीज या पैरेलल, आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो नॉर्मली जब हम डिज़ाइन करने लगते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट को अपने घर के लिए डोमेस्टिक यूज के लिए, तो डिज़ाइन करने से पहले हमको डिसाइड करना पड़ता है जो हम सीरीज कनेक्शन करें या पैरेलल कनेक्शन, किसमें हमको ज़्यादा बेनिफिट है। तो इस चीज़ को डिसाइड पहले किया जाता है। अगर हमको बहुत सारे अमाउंट में बल्ब कनेक्ट करना है, जैसे आपने दीपावली या पर्व त्यौहार या कोई भी शादी समारोह में, बर्थडे पार्टी में या किसी में भी आप देखते होंगे बहुत सारा लाइटिंग रहता है, उसमें छोटे छोटे बल्ब लगे रहते हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बल्ब उसमें कनेक्ट होते हैं। अब अगर जो उसमें हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं, ईच बल्ब के लिए हमको इच स्विच देना पड़ेगा, मीन्स एक बल्ब के लिए एक स्विच देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कितना खर्चा आएगा, प्लस उसको एक साथ ऑपरेट भी नहीं किया जा सकता है, एक लंबा टाइम भी लगेगा ऑपरेट करने में। तो उसमें हमको सीरीज या पैरेलल कनेक्शन, आप जानते हैं सीरीज कनेक्शन में हम एक स्विच देंगे तो वो मैंडेटरी सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अगर एक स्विच ऑन करते हैं तो उस सीरीज कनेक्शन में जितने भी अप्लायंसेस कनेक्टेड हों, जितने भी बल्ब कनेक्टेड होंगे, तो वो सबको ऑन कर देते हैं। तो हमें डिज़ाइन करने से पहले डिसाइड करना पड़ता है जो हम कनेक्शन सीरीज दें या पैरेलल का दें। तो हमने यहाँ पे सीरीज कनेक्शन का एक छोटा सा रूप तैयार किया है आपको समझाने के लिए, जो सीरीज कनेक्शन कैसा होता है। आप जानते हैं सीरीज कनेक्शन में एक ही कंडक्टर में ढेर सारा अप्लायंसेस कनेक्टेड होता है, कंटिन्यूसली एक ही पाथ पे ढेर सारा अप्लायंसेस कनेक्ट है। हमने यहाँ पर सिर्फ बल्ब कनेक्ट किया है। आपको अगर एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो आप एक ही कंडक्टर से, एक ही पाथ से आप बल्ब कनेक्ट कीजिए, फैन कनेक्ट कीजिए, रेफ्रिजरेटर कनेक्ट कीजिए, टीवी कनेक्ट कीजिए और उसको चला के देखिए। आप एक स्विच ऑन कीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक चारों पाँचों जो भी अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपने कनेक्ट किए होंगे वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में बल्ब लगाया, आप देख रहे हैं एक ही कंडक्टर पाथ है, हमने स्विच लगाया है और 220 वोल्ट पावर सप्लाई दिया है, अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग करंट, बल्ब्स हैं, सिर्फ सिर्फ बल्ब्स हैं, मैंने और कोई दूसरा नहीं लगाया है। और फिर यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन हमने दिखाया है, इसमें भी बल्ब लगाया है पैरेलली, हर एक के लिए अपना अपना स्विच है, इस बल्ब के लिए 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 अपना, सबके लिए अपना अपना स्विच है। आ इसमें भी हमने वही 220 वोल्ट एसी पावर सप्लाई दिया है। तो आइए आप जानते हैं जो सीरीज कनेक्शन का क्या बेनिफिट है या डिसएडवांटेज है, या पैरेलल कनेक्शन का क्या बेनिफिट और डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस ऑल्सो स्टॉप वर्किंग। अगर सीरीज कनेक्शन में अगर एक अप्लायंसेस काम करना बंद कर दे तो बाकी सारा आगे जो या कनेक्शन होगा वो काम करना बंद कर देगा। सपोज कीजिए ये बल्ब यहाँ पे फॉल्ट हो गया, यहाँ पर डिफॉल्ट इसमें आ गया, ठीक है, इसमें यहाँ से कनेक्शन ख़त्म। तो आप समझिए करंट फ्लो होने के लिए उसमें सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है, सर्किट क्लोज होना जरूरी है, ये सब पॉइंट आप जानते ही होंगे। तो अगर ये यहाँ से टूट चुका है, ब्रेक कर चुका है, इसमें फॉल्ट आ चुका है, तो आप बताइए सर्किट कंप्लीट है, इसमें करंट फ्लो होगा नहीं होगा। अगर करंट नहीं फ्लो होगा तो कोई भी अप्लायंसेस या कोई भी बल्ब अगर सही होने के बावजूद भी नहीं जलेगा, क्योंकि हमारे सप्लाई से कनेक्शन टूट चुका है। तो वही कह रहा है, सो अगर एक भी में फॉल्ट आता है तो बाकी अगले सब में फॉल्ट आ जाएगा। और मान लीजिए
एक सीरीज कनेक्शन में हजारों बल्ब लगे हैं, अगर उसमें किसी एक में भी फॉल्ट आता है बाकी सब का सब रुक जाएगा। और उस फॉल्ट को खोजने में इलेक्ट्रिशियन को बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारा मेहनत लगेगा, एक एक बल्ब को खोजना पड़ेगा कौन सा कहाँ पे फॉल्ट पाया गया, फिर उसको फॉल्ट को रिपेयर करेगा फिर जाके चलेगा। तो कितना लंबा और पेचीदा प्रोसेस है सीरीज कनेक्शन में। दूसरा पॉइंट है, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। अब मान लीजिए आपको एक ही सीरीज कनेक्शन में आपने बल्ब को कनेक्ट किया, फ्रिज को कनेक्ट किया, टीवी को कनेक्ट किया, फैन को कनेक्ट किया, आपको सिर्फ अब रात में आप सोने आए, आपको सिर्फ फैन का जरूरी है, सिर्फ फैन चलना चाहिए और टीवी फ्रिज और बल्ब बंद होना चाहिए। तो अगर आप सीरीज कनेक्शन दिए हुए हैं उसमें एक ही स्विच है तो आप स्विच ऑन कीजिएगा तो टीवी भी चलेगा, फ्रिज भी चलेगा, फैन भी चलेगा और बल्ब भी जलेगा। तो आप देख रहे हैं कितना डिसएडवांटेज हो रहा है सीरीज कनेक्शन का यहाँ पे। तो इससे हम सेपरेटली फैन को ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, या सेपरेटली हमको टीवी देखना है तो उसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, इसलिए सीरीज कनेक्शन में ये एक डिसएडवांटेज है। तीसरा है, इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज दैट इज 220 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज एज दैट ऑफ पावर सप्लाई लाइन। सबको सेम वोल्टेज नहीं मिल पाता है, अगर पहले में जो कनेक्शन सप्लाई के जस्ट बाद जो कनेक्शन है उसमें ज़्यादा वोल्टेज आएगा, सप्लाई के एकदम लास्ट में जो वोल्टेज है, लास्ट में जो कनेक्शन है, लास्ट में जो अप्लायंसेस कनेक्टेड है उसमें मिनिमम वोल्टेज जाएगा। इन द सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट इंक्रीजेज टू मच ड्यू टू विच द करेंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो। देखिए अब हमने सीरीज कनेक्शन में हमने पिछले क्लास में सीरीज कनेक्शन में का रेजिस्टेंस निकालना सीखा था। तो आप देख रहे थे जितना भी सीरीज कनेक्शन में अगर कोई भी रेजिस्टेंस लगा है तो वो सम हो जाता है, तो अगर हम सम करते जाए तो ढेर सारा रेजिस्टेंस हो जाएगा एक ही कंडक्टर पाथ में, तो उसमें पावर सप्लाई से जितना भी करंट आएगा वो लो हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ चुका है सीरीज कनेक्शन के कारण। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग, घरेलू यूज में पैरेलल सर्किट का क्या अपना एडवांटेज है जानते हैं। इन पैरेलल सर्किट्स इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेज कीप वर्किंग नॉर्मली। अगर कोई एक मान लीजिए जैसे आपका यहाँ पे है, मान लीजिए इस बल्ब में फॉल्ट आया, इस बल्ब में फॉल्ट आया तो सिर्फ यही काम करना बंद करेगा क्योंकि आप देख रहे हैं इसका अपना एक खुद का सर्किट है, सिर्फ स्विच है, अपना बल्ब है, अपना कनेक्शन है, सिर्फ यही बल्ब काम करना बंद करेगा, बाकी सब में फ्लो होता रहेगा, बाकी सब ये भी बल्ब जलेगा, ये भी बल्ब जलेगा, ये भी सब बल्ब जलेगा क्योंकि इसमें सब पैरेलली कनेक्टेड है और सेपरेटली सब कनेक्टेड है, सेपरेटली ये ऑन ऑफ होता है। अगर इसमें इस पाथ में कोई फॉल्ट भी आता है तो इस पाथ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगला बाकी सब जलता ही रहेगा। इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैज इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न ऑन और टर्न ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंसेस। मीन्स अगर पैरेलल कनेक्शन है तो हम सेपरेटली किसी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, अगर हमको फैन चलाने का मन है फैन चलाएंगे, टीवी चलाने का मन है टीवी चलाएंगे क्योंकि उसमें सब सेपरेटली स्विच है, सबका अपना अपना स्विच है, कोई एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट्स द सेम वोल्टेज एट दैट ऑफ पावर सप्लाई लाइन, सब में सेम वोल्टेज जाएगा क्योंकि सबका अपना अपना पाथ है। इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस ड्यू टू विच द करेंट फ्रॉम पावर सप्लाई इज हाई। हमने पिछले क्लास में पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस निकालना सीखा था,
हमने देखा था वहाँ पर रेसिप्रोकल्स ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, मीन्स हमको रेजिस्टेंस अगर निकलना है तो 1/r इज इक्वल टू 1, जितना भी रेजिस्टेंस कनेक्ट है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 1/rn, मीन्स नंबर ऑफ जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं। तो अब इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम जाता है। अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर कोई सर्किट का कम जा रहा है तो मतलब उसमें सप्लाई सोर्स से जो करंट आ रहा है वो हाई आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस उस कंडक्टर में उस पाथ में कम है, अपोजिशन उसमें कम है। तो आज आपका ये पार्ट भी कंप्लीट होता है, अगले पार्ट को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।